नमस्कार। यदि आपका जन्म किसी भी मंथ के 7th, 16th, या 25th को हुआ है तो आपका नंबर 7 होगा, और 7 नंबर के लिए 2024 किस तरह का परिणाम देगा वो आज इस वीडियो में देखेंगे। सर्वप्रथम तो 2024 जो है वह 8 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और 8 नंबर जो है उसको हमने शनि ग्रह माना हुआ है, और जो 7 नंबर है उस नंबर को केतु कहा गया है। अब 7 जो है क्योंकि वह केतु ग्रह का रिप्रेजेंटेशन करता है, एक तरह से रिसर्च ओरिएंटेड और एक तरह की स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर होती ही होती है। लेकिन 8 नंबर जो है वो 8 नंबर एक तरह से एक्शन ओरिएंटेड है, कर्म ओरिएंटेड है। तो 7 नंबर वालों को 2024 में ये करना होगा कि सिर्फ बातें नहीं करनी है, सिर्फ सोचना नहीं है, उनको कर्म भी करना है। उसमें भी अगर मैं एक सेंटेंस में 7 नंबर वालों को क्या करना चाहिए वो दर्शाने का प्रयत्न करूं, और अगर उनको मास्टर की दो तो उनको ये करना होगा कि उनको नियत के साथ कर्म करना है। डू योर एक्शंस विथ डेडिकेशन। सिर्फ करने के लिए कर्म नहीं करना है। यदि आपने सिर्फ करने के लिए कर्म कर दिया, कैजुअल वे में कर्म कर दिया, तो याद रहे 2024 में आपको परिणाम नहीं मिलेगा, और शायद ये हो सके कि आपको नेगेटिव परिणाम भी मिले। आपने चाहा था सुख और आपको मिल जाए दुख। सो नियत के साथ यदि आप कर्म करोगे, कोई भी कर्म करोगे, तो 2024 आपको अच्छा परिणाम देगा। एक बात और याद रखनी है दैट केतु मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है, और शनि जो है वो वैराग्य को रिप्रेजेंट करता है। सो यदि आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो तो 7 नंबर वालों को 2024 एक तरह से बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ। हेल्थ में मेजर कॉम्प्लिकेशंस होने के योग नहीं है। हालांकि सेकंड हाफ में आपके एब्डोमिनल के आसपास, पेट के आसपास जो ऑर्गन्स है उसमें माइनर सर्जरी होने के योग है। यदि आपने आपकी लाइफस्टाइल को चेक में रखा और आप रेगुलर लाइफस्टाइल यदि जीना स्टार्ट करोगे तो आपको कोई बड़ा रोग नहीं होगा, और उसमें भी यदि कोई डिसीज़ ऑलरेडी चल रहा है तो 2024 में उससे आपको राहत भी मिलेगी, मेडिसिंस आपके ऊपर काम कर जाएगी, और यदि आपने फर्स्ट हाफ को संभाल लिया तो शायद सेकंड हाफ में सर्जरी की बात भी ना आए, उस तरह के अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा बहुत रेगुलराइज करना होगा, आपको डिसिप्लिन लाइफ में लानी होगी। वेल्थ की बात करें तो वेल्थ के लिए ये साल आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देगा। उसमें भी यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हो तो याद रहे कि ये पार्टनरशिप आपकी लंबे समय तक चलेगी। उतना ही नहीं, आपके पार्टनर्स के बीच में यदि कोई पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है पुरानी, तो वो इस साल के दौरान रिजॉल्व हो जाएगी और आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो और उसमें भी यदि आपका व्यवसाय डोमेस्टिक चीज़ों के साथ चल रहा है तो ये साल आपको अकल्पनीय लाभ देगा। जो लोग ओवरसीज़ के साथ जुड़े हुए हैं शायद उनको इच्छित परिणाम न मिले, उनको कम परिणाम मिले, लेकिन यदि आप डोमेस्टिक चीज़ों में डील कर रहे हो, खुद का व्यवसाय कर रहे हो, तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए ये साल एवरेज रहेगा। सैलरी में जितना इंक्रीमेंट उनको चाहिए वो शायद नहीं मिलेगा, और पोजीशन भी जो उनको चाहिए थी वो नहीं मिलेगी, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट रखने की बात नहीं है। यू आर हेडिंग टूवर्ड्स ए पॉजिटिव डिरेक्शन ओनली, और आने वाला जो साल है 2025 उसमें आपको वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये जो साल है वो साल आप जो कर रहे हो उसको नियत के साथ करते रहो, आने वाला साल आपको अच्छा परिणाम देगा, ये बात तय है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। हमारी सलाह है कि 2024 में 7 नंबर वालों को कोई नई चीज़ नहीं करनी चाहिए।
जैसा जो चल रहा है वही उनको अच्छी नीयत के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। यदि आप सिंगल हो और आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो तो शायद आपको सेकंड हाफ में सफलता मिलेगी, फर्स्ट हाफ में आपको योग्य पार्टनर की प्राप्ति नहीं होगी। आप यदि आप ऑलरेडी मैरिड हो तो याद रहे 2024 में आपके पार्टनर के साथ आपका एक अच्छा वैकेशन दिख रहा है और उससे आपके जो थोड़ी बहुत भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी आपको वापस प्राप्त हो जाएगी। तो रिलेशनशिप के लिए, क्लोज रिलेशनशिप के लिए ये साल बहुत अच्छा है। यदि आप अपना सोशल सर्कल इस साल के दौरान एनहांस करना चाह रहे हो तो हमारी सलाह है कि आपको वेट करना होगा। जिस तरह के मीनिंगफुल लोग आपको चाहिए या हेल्पफुल पीपल जो आपको चाहिए उनकी प्राप्ति शायद आपको इस साल के दौरान नहीं होगी और उसके कारण एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट भी होगा। जो आपके ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं उनको संभालिए, उनके साथ नियत से रहिए, उनको बिट्रे मत कीजिए, तो आपके जो संबंध हैं वह संबंध बरकरार रहेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए 2024 सात नंबर वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपने जितना प्रयास किया है उससे ज़्यादा परिणाम आपको मिलेगा। सो ऐसा समझ के चलो यदि आपने 100% एफर्ट्स डाले हैं तो आपको 120% रिजल्ट मिलेगा। तो आपको सलाह है कि इस साल का उपयोग कर लीजिए। यदि आप कोई हार्ड एग्ज़ाम को क्रैक करना चाह रहे हो देन दिस इज़ द ईयर। यदि आप ओवरसीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो तो देन दिस इज़ द ईयर। इस साल का उपयोग करके आपकी जो मनोवांछित यूनिवर्सिटी थी, आपकी जो डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी थी, उसमें आप एडमिशन भी प्राप्त कर पाओगे। ओवरऑल लक इज़ गोइंग टू फेवर यू, सो यूज़ दिस ईयर। सो ओवरऑल 2024 सात नंबर वालों के लिए मीडियम टू एवरेज रहने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि आप जो भी कर्म कर रहे हो वो डेडिकेशन के साथ करो। जो भी कर्म कर रहे हो थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट रख के करो तो सुनिश्चित आप 2024 में सफलता प्राप्त करोगे और जो आपने सोचा भी नहीं होगा उस तरह की इंक्रीमेंटल ग्रोथ आपको मिलेगी। शुभम भवतु, प्रणाम।